पति ने काटी पत्नी की नाक, चरित्र पर शक जताकर मारपीट की, नशे में धुत होकर घर आया और चाकू से किया वार। घटना लखीमपुर खीरी की है। नाक काटने की घटना लगातार दूसरी सामने आई है, जहां नीम गांव का थाना क्षेत्र के बहटा गांव निवासी एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक होने के चलते अपनी ही पत्नी की नाक काट डाली। गांव का रहने वाला नीरज गुरुवार को शराब पीकर घर आया और पत्नी सीमा से मारपीट करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि नीरज ने अपनी पत्नी के चाकू से नाक काट ली और जब उसकी पत्नी लहूलुहान होकर गिर गई तो नीरज वहां से फरार हो गया। घायल सीमा देवी को बेहजम CHC में भर्ती कराया गया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी नीमगांव क्षेत्र में हुई, लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सीमा देवी के नाक से खून बह रहा था, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल मोतीपुर रेफर कर दिया। घायल सीमा ने बताया कि उसका पति जेठ के लड़के के अफेयर का आरोप लगाकर मारपीट किया करता है। मामले की सूचना पर पहुंची नीमगांव पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले को लेकर ASP नेपाल सिंह ने बताया कि आपसी विवाद था, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।